देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बच्चे दिन के दोपहर के टाइम में क्या काम कर रहे हैं। मतलब इनको मैं थोड़ा सा लेट जाऊं तो दिन में बस मैगी बनना शुरू हो जाती है। सामने केची डाली मैगी बन रही है भाई, मैगी बन रही है। आ जाओ आप लोग भी। स्माइल। इधर तो देख ले। गोले वाले फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करता है। ट्यूशन, और ये ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद मैं लग जाऊंगी खाने में। तो देखते रहिए आज की मेरी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं किचन में। शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च लिए। हम 4 जने हैं तो 4 ही लिए हमने। और 2 आलू मैंने बॉईल किए थे शिमला मिर्च को भरने के लिए। और मसाले में लिया है मैंने पूरा धनिया, आखा धनिया जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 2 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, और थोड़े से काली मिर्च 3-4 मतलब काली मिर्च और लौंग लिए हैं। और ये मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, ताकि इससे क्या है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, इसलिए मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी। और अब मैं इन सबको मिक्स में तेल ले लूँगी, और तेल हम सरसों का ही खाते हैं, तो हम मतलब मैं सरसों का ही लूँगी। और आप जो लोग तेल खाते हो वो आप काम में ले सकते हो। और अब इसको मैं थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी इसमें। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं सारे मसाले इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर दूँगी। मसालों को मैं अच्छे से पकने दूंगी। जब तक मेरा मसाला तैयार होता है, जब तक मैं अच्छे से शिमला मिर्च में कट लगा के जो शिमला मिर्च में जो बीज होते हैं अंदर, मैं उनको निकाल लूंगी। और बच्चे लगा रहे थे आवाज़ क्योंकि वो ट्यूशन से आ चुके हैं, और बच्चे घंटा डेढ़ घंटा ही जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा काम नहीं करती उससे पहले वापस आ जाते हैं। और बच्चों के बिना वैसे अब मेरा मन भी नहीं लगता है। और मैं जा रही थी बाहर ट्यूशन से। और क्या क्या पढ़ के आए हो? कुछ नहीं, तो गया है बुक। अब मैं रोज रोज उनको हमें ये गिरा कैसे ना भी पापा को क्या बोलूं। मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें जो मैं सारे मतलब जैसे लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हरी और हल्दी पाउडर है, नमक है, जितने भी मेरे मतलब जो मसाले वो मैं इसमें गरम मसाला वगैरह सब ऐड कर दूंगी। और उसके बाद में जो मेरा आलू जो मैंने बॉईल किए थे वो मैं इसमें मैश कर दूंगी अच्छे से, ताकि इसमें मिक्स हो जाएंगे। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं और उसका मिक्सर तैयार करते हैं, वैसे ही मैं शिमला मिर्च जब बनाती हूँ तो उसी तरह से इसका मिक्सर तैयार करती हूँ। और जब तक मेरा मसाला ठंडा हुआ था, तो जब तक मैंने आटा भी लगा लिया था, और अब मेरा मसाला अच्छे से पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैंने जो शिमला मिर्च में कट लगाए थे इसमें अच्छे से पूरा मसाला भर लूँगी। क्योंकि इसी तरह से मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है शिमला मिर्च। जैसे बेसन वगैरह भरती हूँ तो वो नहीं खाते हैं, पर जो आलू भर देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेते हैं और उनको पसंद भी आती है। और ऐसे करके मैं सारी शिमला मिर्च को भर लूँगी एक एक करके। और 4 मैंने शिमला मिर्च ली है।
शिमला मिर्च को पकाने के लिए मैं वापस कढ़ाई में सरसों का तेल ले लूँगी और ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि फिर सब्ज़ी में तेल ही तेल हो जाता है और हम लोग वैसे भी तेल कम खाते हैं। और जब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत मोटी होती है तो वो कढ़ाई में भी, मेरी कढ़ाई भी छोटी है तो मैंने 4-5 ही शिमला मिर्च ली थी और मेरी कढ़ाई में पूरी भर गई थी अच्छे से। उसके बाद में मैं जब शिमला मिर्च डाल दूँगी और गैस की आँच कम कर दूँगी और ढक्कन लगा के थोड़ी देर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ढक्कन लगाऊँगी तो मेरी शिमला मिर्च अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। और ये मेरी शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है। तो आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। आ गए छत पे और बच्चे आ रहे मेरे पीछे और यहाँ हो रहा बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और अच्छी अच्छी हवा चल रही है और जैसे एक बार बारिश पड़ती है तो सारी तरफ हरियाली हो जाती है और मौसम भी बहुत सुहाना हो जाता है और अच्छा लगता है बारिश में। आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।